भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में ईदगाह मस्जिद का रण बड़ा होता जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में अब सिविल कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई। पक्ष ने कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों की कॉपी मांगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को कॉपी देने का आदेश दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 जुलाई की तय कर दी। कोर्ट ने एट लेंथ हमको सुना, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो हमने कोर्ट को दिखाई और माननीय जनपदाधीश महोदय का आदेश दिखाया। सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और माननीय जनपदाधीश महोदय का आदेश देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि हमारा सूट लीगल है और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने हमारे सूट को रजिस्टर करने का आदेश पारित किए। हम चाहते हैं कि इस मुकदमा हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी तय हो, इसलिए हम इस मुकदमे को इंटरव्यू एप्लीकेशन हमने नहीं दी है। हम चाहते हैं जनता के, भारत की जनता के सामने जो वास्तव में ट्रथ हो वो जल्दी से जल्दी आए कि वास्तव में किस प्रकार ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को इलीगली कंप्रोमाइज के माध्यम से दे दिया गया। पहले वो हमें कॉपी देंगे, कॉपी के बाद में हम अपना जो उन्होंने बिंदु उठाए होंगे उनका हम बिंदुवार जवाब देंगे, अपना रिव्यूज दाखिल करेंगे। तो आज तो मात्र शुरुआत है उनकी, कोई विवाद ना पहले था ना कभी है, स्थानीय स्तर पर तो विवाद है नहीं। कुछ बाहरी लोग 2020 में आए, उन्होंने मुकदमा दायर किया, उनका मुकदमा खारिज हुआ, तब उनकी देखा देगी कुछ स्थानीय लोग भी इसमें बादी बनकर आए। लेकिन आज भी आप देख लीजिए बाहरी लोगों की संख्या मुकदमों की ज्यादा है, स्थानीय लोग तो उसमें क्या दो लोग बादी के रूप में दो मुकदमों में हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग जिनका कोई अधिकार ना तो वो ट्रस्ट के सदस्य है, ना वो सेवा संघ के सदस्य है और ना वो साई मस्जिदगाह के सदस्य है, इसमें तो किस अधिकार से आए हैं यहाँ पे। आज की सुनवाई रंजना अग्निहोत्री की अर्जी वाले केस में हुई। इस केस में 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है, जिसके तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन कथित तौर पर ईदगाह को दे दी गई थी। अर्जी में कहा गया है कि समझौते करने वाले ट्रस्ट को समझौता करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए समझौते को अवैध बताते हुए ईदगाह खाली कराने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये 13.37 एकड़ का टोटल एरिया है, इसमें शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद ही बनी हुई है, लेकिन हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद नहीं मानते, हम उसे भगवान का मूल गर्भगृह मानते हैं। और वो मूल गर्भगृह है, वो मंदिर है, उसकी दीवारों पर सब हिंदू अवशेष हैं, कमल है, ओम है, सब हैं। इसकी कॉपी भी हमने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। तो हमारा आज माननीय न्यायालय से यही अनुरोध था कि वहाँ पर या तो कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए। इस बीच सिविल कोर्ट की ओर से फैसला करने में की जा रही देरी के खिलाफ आज जिला जज की अदालत में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। याचिका में अपील की गई है कि जिला जज अपनी देखरेख में सर्वे कराएं, सर्वे की रिपोर्ट गर्मी की छुट्टी से पहले आ जाए, अगर जल्दी नहीं की तो सबूतों से छेड़छाड़ होगी और सबूतों से छेड़छाड़ की धमकी दी जा रही है। लिहाजा रिवीजन के जरिए हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की है। कोई ऐसा आदेश जिसके माध्यम से कोर्ट आदेश ही ना करे, ग्रॉस इनजस्टिस है। एक महीने के अवकाश के दरमियान मौके की साक्ष्य से छेड़छाड़ हो सकती है, किस बात की धमकी दी जा रही है, लिहाजा उस इन आधारों पर कि ये ग्रॉस इनजस्टिस है और रिवीजन में प्रस्तुत किया है। ऐसी कई याचिकाएं मथुरा में दायर की गई हैं और लगातार की जा रही हैं। कोर्ट ने 1 जुलाई को कई याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख दे रखी है। उससे पहले जिला जज की अदालत में ये नई याचिका दायर की गई है, इसकी कोई तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।